ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार क्रिकेट का वो सितारा जो कई बार बिहार क्रिकेट टीम की डूबती नाव को सहारा दिया और जीत भी दिलाई, बावजूद इसके शायद बिहार क्रिकेट में उन्हें वो इज्जत नहीं मिल पाई जिसके वे असल में हकदार थे। हम बात कर रहे हैं बिहार क्रिकेटर अजय कुमार जी का। आज जब आखर प्रहरी के पटना ब्यूरो सुरेश मिश्रा अजय जी से बात किए तो अजय जी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। बिहार के ऐसे क्रिकेटर साथ रहे हैं जो हमेशा से एक अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन जो अस्तर कहा जाता है, जो अधिकार कहा जाता है या जो इज्जत कही जाती है, शायद बिहार क्रिकेट उन्हें नहीं दे पाया। क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी ऊपर लेवल पे ये क्रिकेट नहीं खेल पाया। जी हम बात कर रहे हैं अजय कुमार की। अजय कुमार एक ऐसे क्रिकेटर थे जो अपने दम पे अपने टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाते थे, एक अच्छे तैराक की भांति, एक अच्छे खवैया की भांति। आइए बात करते हैं अजय जी से। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जब आप क्रिकेट खेलते थे अविभाज्य बिहार और आज बटा हुआ बिहार, दोनों दो रूप हो गए। जब आप खेलते थे उस समय क्रिकेट में बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी, फिर भी आप जैसे क्रिकेटर आते थे, आपके पहले रमेश सर आए, रमेश सक्सेना इंडिया के लिए, आपके बैच में महान अविनाश कुमार आए जिनका आज भी रणजी ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड ही है विकेट लेने के मामले में। उस समय के भी पिराव थे, सबा करीम जी थे, अमिकर दयाल जी थे, आप थे, सुनील सिंह जी थे। तो क्या वजह है कि उस समय इतने बड़े बड़े क्रिकेटर निकल के आते थे और आज वैसे क्रिकेटर नहीं आते? उस समय पटना में क्रिकेट का जो माहौल था, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ थी और हम लोग को याद है कि जब बोला जाता था कि 4 बजे आओ तो हम लोग 3:30 बजे ही जाके ग्राउंड में बैठे रहते थे, लेकिन आजकल हमें लगता है कि वो चीज़ बच्चे में नहीं देखते हैं। और सर, जो क्रिकेट का स्तर था, मुझे लगता है आज के स्तर से बहुत ज़्यादा ऊंचा था। एक जुनून था, एक मादा था लड़ने का, जीतने का, आज कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी कमी रहती है, इसकी वजह क्या है? इसकी बस सबसे बड़ी वजह ये है कि हम तो उतना मेहनत करते नहीं हैं लेकिन रिजल्ट ज़्यादा खोजते हैं और बिना मेहनत के तो रिजल्ट मिलता नहीं। और हम लोग को में सिखाया गया था कि बेटा मेहनत करते रहो लेकिन फल क्या मिलेगा ये कहना मुश्किल है, ये चांस की बात होती है। सर, आप भी बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ खेले हैं, हमने जहाँ तक सुना है अविनाश कुमार, सबा करीम और उसके अलावा प्रभाकर सर के साथ भी, दो इंडियन टीम के एक सितारे ऑलराउंडर कहे जाते थे, सबके साथ खेला है। क्या वजह है कि आपके साथ ही खिलाड़ी बुलंदियों को छूते गए और आप गुमनामियों के भंवर में डूबते चले? सर, 84 से लेकर 89 तक हम मेकॉन से खेल रहे थे, रांची में थे, और संजोग से फिर हमारा पटना में पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी हो गई, पटना चले गए। इस बीच यहाँ पटना में खेल का वो माहौल नहीं था जो रांची में था, ये भी कह सकते हैं। और सर, जहाँ तक हमें जानकारी है, एक बहुत बड़े कॉमेंट्रेटर, उनकी पुत्री आपकी पत्नी है, यानी कि आपका ससुराल पक्ष भी क्रिकेट को डोमिनेट करता था, फिर भी आप उस स्तर पे नहीं जा पाए, कहीं ना कहीं इसका दुख आपके ससुर को भी होगा, आपकी वाइफ को भी होगा, आपको भी होगा और हमारे बिहार के लोगों को भी है। आज के बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे जो आपके साथ हो? आज के बच्चे को हम आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि खुद हम अपने बच्चे को क्रिकेट नहीं खेलने दिया कि वो पढ़ेगा, लेकिन उसका जुनून माना नहीं, 18 साल में वो यूनिवर्सिटी जाके खेला हुआ, लेकिन फिर आज जो माहौल है, मैक्सिमम बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं और ग्राउंड में जाते हैं, भले वो किट लेके जा रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं देखते जो होना चाहिए। सर, अचानक से बिहार में क्रिकेट बंद हो गया, मान्यता ख़त्म हो गई, फिर एक दौर आया मान्यता मिला, रवि जी के रीजन में सेक्रेटरी बने रवि जी, अच्छे खासे मैचेज हुए, फिर उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ और नई कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी ने तो और थोड़ा ज़्यादा किया और वुमेंस का अंतर्राष्ट्रीय मैच भी कराया, आपको क्या लगता है ये सुधार सही है या और भी कुछ सुधार की जरूरत है? नहीं, हम तो खोज ही रहे थे ये मौका, लेकिन संजोग से मिला नहीं। कमेटी में जो भी लोग हैं, अच्छी बात है कि इतने अच्छे अच्छे मैच करा रहे हैं, लेकिन कोई ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा उस खेल को और ऊंचाई पे ले जाएगा, ऐसे आदमी को उनको जरूरत है और रखना चाहिए अपने साथ। सर, एक और दुखद घटना अभी कुछ दिन पहले घटी थी, पटना के ही बहुत बड़े सीनियर स्टार सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, लोग कहते हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत तरह की बातें आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि उस बंदे ने ऐसा कैसे किया, विश्वास नहीं होता अभी तक,
विश्वास इसलिए नहीं होता है कि वो अंदर से तो बहुत स्ट्रांग दिखते थे और उनका परफॉर्मेंस ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ये चांस की बात है कि ऐसा क्यों हुआ अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। सब लोग इस बात से परेशान है कि ऐसे क्या ऐसा हुआ कैसे। सर जो क्रिकेट का रियल फॉर्मेट है, एक बार फिर क्रिकेट पे आते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट है। उसके बाद आया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो, या एक दिवसीय क्रिकेट जो आप भी खेले जी। उसके बाद एक आया T20 क्रिकेट। आपको नहीं लगता क्रिकेट में अब व्यवसायीकरण हो गया है, जितने बड़े व्यापारी हैं वो क्रिकेट की ओर रुख कर रहे हैं, क्या इससे क्रिकेट को हानि नहीं? क्रिकेट को हानि तो नहीं, क्योंकि आजकल बताया ना कि हर बंदे चाहते हैं कि जितना जल्दी हमें अचीव और मिले, तो कम समय में बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं। तो कम समय का क्रिकेट होता है उनके पास, सब लगता है कि चलो इतना मज़ा आया, मज़ा के लिए। और हम लोग मज़ा के लिए नहीं करते खेलते दोस्तों, हमको होता था कि चलो क्रिकेट से ही प्यार था, कि क्रिकेट के सोते जागते बस क्रिकेट 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 ही सोते रहते थे। इसलिए आजकल उसमें तो आसमान जमीन का अंतर है। और सर आपको जो भी इज्जत शोहरत नाम मिला है वो क्रिकेट की ही दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपना, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी अपने नए पीढ़ी को बिल्कुल ये वापस दें, क्रिकेट की जो बारीकियां आपने सीखी हैं उनको वापस दें? बिल्कुल। तो आप आखिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके बच्चे भी वो लेवल पा सकें? अभी हम मतलब कि उधर तो लॉकडाउन के पहले हम जाना कंकड़बाग में शुरू किया था, वहाँ पे नीरज कुमार कोचिंग कैंप चलाते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर अभी लॉकडाउन में फंस गए तो जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि उन बच्चों को कुछ बातें जो वो कर सकते हैं करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। सर वैश्विक महामारी कोरोना आई है, इसके चलते सारा कुछ बंद पड़ा है, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो खेल का मैदान। और जब वापस दुनिया लौटेगी अपने व्यवसाय को, अपने खेल के मैदान में, तो ये दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी होगी, यहाँ तक कि क्रिकेट में भी कुछ परिवर्तन होगा। आपको क्या लगता है कैसा कैसा परिवर्तन होना चाहिए और क्या क्या परिवर्तन होंगे? सबसे पहली बात वही है कि विश्वास, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने फायदे के लिए विश्वास में मतलब कि टूटता हुआ नजर आने लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि ये प्रभु है, पृथ्वी है, कुछ संचालन और कर रहा है, तो चाहिए ही है, अगर वो है तो है। सर आप अपनी नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो खूब मेहनत करें और ईमानदारी से अपने सीनियर का इज्जत करें। धन्यवाद। ये थे अजय कुमार जी, जो वर्तमान में डाकघर में पोस्टमास्टर के पद पे कार्यरत हैं जमाल रोड ब्रांच में। आखिर प्राइस है सुरेश कुमार जी। एम्ब्रोनी इंफ्राकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पटना नौबतपुर में अपना प्लॉट पाए मात्र 6.5 लाख रुपए में। ड्रीम प्रोजेक्ट प्रिंस टाउन सिटी रानीपुर पटना सिटी ओवर ब्रिज के बगल में, संपर्क करें एम्ब्रोनी इंफ्राकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर एवरग्रीन कॉम्प्लेक्स अलकापुरी मोड़ गर्दनी बाग पटना।